एक निजामे जाहिरी है, एक निजामे बातनी है। जिस तरह निजामे जाहिरी हक है, निजामे बातनी भी हक है। देखने में आता है कि एक जमींदार दाने जाके काश्त करता है जमीन में, और जिस वक्त उसकी कोंपलें फूटती हैं, तो जाहिर है आप निकाल के देखें कोंपल कहाँ से फूटी है। उसके अंदरूनी हिस्से से, यानी जब सीधा होता है दाना तो फूटती है। तो सबके मुंह सीधे किसने किए हैं? बातनी निजाम में ड्यूटी हजरत मिकाईल की, कहते तू काश्त कर, लेकिन ये जाहिरी निजाम है। अब इसके दानों के मुंह सीधे करना हमारा अपना काम है। ये जाहिरी निजाम है। इसे बीवी मियां इकट्ठे होते हैं, आगे औलाद पैदा होती है। जिनकी औलाद नहीं पैदा होती उनकी क्या वजह? फिर इन्हें बातनी निजाम में वो ग्रांट नहीं की जाती, इसलिए जाहिरी निजाम पूरा होने के बावजूद औलाद नहीं होती। फिर लोग वलियों के पास क्यों जाते हैं? ये तो आमने सामने की बात। इनके हमशीरा बहनोई 16 बरस तक बे औलाद रही। हुआ कि नहीं? 16 बरस के बाद बात हुई, औलाद हुई कि नहीं हुई? वो निजाम बातनी वालों से रजू इसलिए करना पड़ता है कि सारे काम निजाम जाहिरी नहीं कर सकता। निजाम बातनी का बीच में हिस्सा है। कौल अल मुनजली फी तसव्वुर अल वली, ये रिसाला है हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती का, अल हावी लिल फतावा। उसके अंदर ये बात मौजूद है कि निजाम बातनी जो है कायनात का, उसको कंट्रोल कौन करता है? औलिया अल्लाह करते हैं। खैरिल खल्क कुल्लिहिम।